दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा बेरहम शिकारी दिखाएंगे जो अपने शिकार को मारने से जरा भी रहम नहीं करता और बिना वक्त लगाए ही उन्हें मार गिराता है। क्या आप जानते हैं कि जंगल की दुनिया का ये सबसे खूंखार शिकारी कौन है? ये किन जानवरों को अपनी खुराक बनाता है? ये शिकारी इन मासूम जानवरों को कैसे अपने जाल में फंसाता है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो चलिए आज हम दिखा ही देते हैं। ये खूंखार शिकारी है जंगली कुत्ते, जो जंगल में आतंक मचा कर रखते हैं और जंगल के जानवरों को अपने खौफनाक हमलों से डराते हैं। इन कुत्तों के सामने चाहे शिकार छोटा हो या फिर इनसे बड़ा, ये हर किसी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये वाइल्ड डॉग्स हमेशा एक साथ झुंड में रहते हैं, इसलिए ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। झुंड में रहने का फायदा एक और ये भी होता है कि कोई शिकार अगर इन पर पलटकर वार करता है तो ये एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, इसलिए जंगल का हर एक जानवर इनसे डर कर रहता है। नंबर एक, शेर वर्सेज जंगली कुत्ते। यहां इन वाइल्ड डॉग्स की गैंग ने अकेले शेर को देखकर मौके का पूरा फायदा उठाया और सारे ही डॉग्स मिलकर उस पर कहर की तरह टूट पड़े। वैसे तो शेर की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है, लेकिन यहां तो शेर की ही बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि इतने सारे वाइल्ड डॉग्स का सामना करना शेर के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी ये शेर इन कुत्तों से जमकर मुकाबला कर रहा है। डॉग्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए कोई भी कुत्ता इस शेर पर आगे से हमला कर रहा है तो कभी कोई पीछे से, पर ये कुत्ते शेर को बिना नुकसान पहुंचाए नहीं बख्श रहे हैं। ये शेर भी बेचारा सोच रहा है, ऊपर वाले आज बचा लो, आगे से कभी मैं इनके मुंह नहीं लगूंगा, बस आज बचा ले। वैसे बता दें कि ये वाइल्ड डॉग्स अपने शिकार को जब घेरते हैं तो अपने पैने दांत और खूंखार हमलों से अपने शिकार का हाल बेहाल कर देते हैं। लेकिन यहाँ जब ये वाइल्ड डॉग्स लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो ये पानी पीने चले जाते हैं और शेर को कुछ पल का सुकून दे देते हैं। आपको क्या लगता है कि वाइल्ड डॉग्स इसको आसानी से छोड़ देंगे या फिर इस पर पलट कर हमला बोलेंगे? कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नंबर टू, जंगली सुअर वर्सेज जंगली कुत्ते। ये वाइल्ड डॉग्स बहुत ही बेरहम होते हैं। ना तो ये किसी जानवर को जमीन के ऊपर छोड़ते हैं और ना ही जमीन के अंदर। यहाँ ये वाइल्ड बोर आराम से गड्ढे में आराम कर रहा था, तभी इन शिकारियों को इसके बारे में पता चल गया और यहाँ आकर इन डॉग्स ने इस वाइल्ड बोर को दबोच लिया। और देखिए कैसे ये वाइल्ड डॉग्स इस जंगली सुअर को अपना लंच बनाने के लिए बाहर निकाल रहे हैं। पहले तो ये जंगली सुअर इन दरिंदों का मुकाबला करता है और अपने बचाव की हर एक कोशिश करता है, लेकिन इसकी हर कोशिश इन शैतानों के सामने नाकाम हो जाती है और ये जंगली कुत्ते अपने जबरदस्त अंदाज से इस जंगली सुअर को अपने शिकंजे में ले लेते हैं, फिर इसके साथ चीरफाड़ करना शुरू कर देते हैं और बुरी तरह से इस जंगली सुअर को नोचने लगते हैं और इसको एक दर्दनाक मौत दे देते हैं। इसके बाद ये सब कुत्ते आराम से मिलकर अपने यम्मी यम्मी लंच का मजा लेते हैं। नंबर थ्री, हिरन वर्सेज जंगली कुत्ते। यहाँ ये हिरन ठंडे ठंडे पानी का मजा ले रहा था और फिर थोड़ी ही देर बाद जब ये अपने घर जाने लगा तो इस पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। ये गुंडे थे जंगली कुत्ते। इन्होंने ऐसे अचानक हिरन पर हमला किया कि हिरन को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो जाए तो जाए कहां। हिरन ने बचने के लिए पानी में दोबारा डुबकी लगा दी, लेकिन तब तक भागते चोर को लंगूठी, मेरा मतलब हिरन की चमड़ी इन कुत्तों के मुंह लग गई थी और इस चमड़ी को पकड़कर इन दोनों ने इस मासूम को ऊपर खींच लिया। इन दो वाइल्ड डॉग्स के हाथ में शिकार को देखकर और भी कुत्ते वहां पर आ गए और इस हिरन का बहुत ही बुरा हाल किया। हिरन की इस तरह चीड़फाड़ कर दी जैसे दर्जी कपड़ों की करता है। आप ही देखिए, खाने के चक्कर में कोई कुत्ता इस हिरन को अपनी तरफ खींच रहा है तो कोई अपनी तरफ। बेचारा हिरन खामखा पानी से बाहर आया। नंबर फोर, एंटेलोप वर्सेज जंगली कुत्ते।
यहाँ इन जंगली कुत्तों ने एक एंटेलोप को घेर लिया है और उस पर अपना मजबूत निशाना बनाए हुए हैं। इस एंटेलोप को इन कुत्तों के रूप में अपनी मौत नजर आ रही है, इसलिए ये अपने आप को और अपने आने वाले बच्चे को इस कहर से बचा रही है कि कहीं मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से रवाना ना हो जाए। लेकिन जब ये शिकारी किसी को अपना निशाना बना लेते हैं तो फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ते। यहां भी इन बेरहम डॉग्स ने इस एंटेलोप को अपने कब्जे में ले लिया है और इस पर अपने खूंखार हमलों का जादू चला रहे हैं। ये मादा एंटेलोप इन दरिंदों से बचकर निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये वाइल्ड डॉग्स इस एंटेलोप को भागने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। ये डॉग्स इस एंटेलोप को इसलिए और नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि इन्हें पता है कि इनके हाथ सिर्फ एक शिकार नहीं लगा है, बल्कि इन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं और इस बात का फायदा उठाकर ये एंटेलोप के पेट पर दांत गड़ाए हुए हैं कि बस किसी तरह ये बच्चा और ये एंटेलोप मम्मी हमारे हाथ लग जाए और हम दोनों का स्वाद चखें। ये डॉग्स अपने हमलों के जरिए अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और मम्मी एंटेलोप और उसके बच्चे को मारकर खा जाते हैं। नंबर 5, हाइना वर्सेस जंगली कुत्ते। क्या आप जानते हैं कि जंगल की दुनिया का सबसे चालाक शिकारी कौन सा है? जंगल में जो चालाकी से अपने शातर अंदाज से जानवरों को धमका कर रखता है, उसका नाम है हाइना। जी हाँ, यही वो शिकारी है जो दूसरे जानवरों के मुंह का निवाला छीन कर अपना पेट भरता है। लेकिन आज तो हाइना मम्मी खुद इन जंगली कुत्तों का शिकार बन गई और ये वाइल्ड डॉग्स जमकर अपने हमलों से इसकी सेवा कर रहे हैं। और देखिए कैसे इन डॉग्स ने इस हाइना को चारों तरफ से घेर कर पकड़ रखा है। इनके जाल में सिर्फ हाइना ही नहीं फंसी है, बल्कि इसका बच्चा भी इनके हवाले हो गया है और ये जंगली कुत्ते हाइना पर ना शिकार करके इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें कभी कभी ऐसा सॉफ्ट और मजेदार लंच खाने का मौका मिलता है और जब इन्हें ऐसा सुनहरा मौका मिलता है तो ये उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। इसलिए ये डॉग्स इन दोनों को अपना शिकार बनाए हुए हैं और बेचारी हाइना ना तो अपने बच्चे को इन दरिंदों से बचा पा रही है और ना ही इनसे बचकर भाग पा रही है। नंबर 6, वाइल्ड बीस्ट वर्सेस जंगली कुत्ते। वाइल्ड बीस्ट एक ऐसा खतरनाक शिकारी है जिसके सामने बड़े बड़े जानवर भी अपने घुटने टेक देते, लेकिन अगर कोई नहीं टेकता तो वो है सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड डॉग्स। ये डॉग्स तो इतने खूंखार होते हैं कि वाइल्ड बीस्ट का शिकार बनने की बजाय उसको ही अपना शिकार बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ इन वाइल्ड डॉग्स ने वाइल्ड बीस्ट को दबोच लिया और इसको बुरी तरह से पकड़ रखा है, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। ये वाइल्ड बीस्ट इन गुंडों को देखकर घबरा गया है, इसलिए चीख चीख कर मदद मांग रहा है, लेकिन इसकी दर्द भरी चीख सुनकर भी इन वाइल्ड डॉग्स को इस पर जरा भी तरस नहीं आता है और ये लगातार इस पर हमले करते रहते हैं। फिर ये डॉग्स इस वाइल्ड बीस्ट के शरीर को नोचना शुरू कर देते हैं, जिससे वाइल्ड बीस्ट इस गंभीर हालत में कहीं भाग भी नहीं पाता है और खुद को इन गुंडों के हवाले कर देता है। और फिर ये वाइल्ड डॉग्स मिलकर अच्छे से इसके शिकार का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे जंगल के खतरनाक शिकारी जो साइज में छोटे हैं लेकिन खूंखारगिरी फैलाने में सबके बाप। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी और इन कुत्तों पर कोई टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना हो तो अभी कर लीजिए। वैसे लगे हाथ वीडियो भी लाइक कर दीजिए। फिलहाल हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक अपना खास ख्याल रखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।